मोबाइल पीछे करना। हेलो, मेरा नाम कृपाल सिंह है, मैं महानपुर ब्लॉक से पंच हूँ और पिछली बार मैं सरपंच था। आज यहाँ हम इकट्ठा हुए हैं कि हमारे जो गवर्नमेंट से ग्रीवेंसीज हैं उनको सॉल्व किया जाए। मेन प्रॉब्लम हमारी जो है वो 2016 से हमारी जो लाइबिलिटी थी वो आज तक दी नहीं गई है। दूसरा, पंच सरपंचों का जो ऑनरेरियम है उसको बढ़ाया नहीं जा रहा है, ये हमारे साथ एक बदा मजाक है। हम लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से ये अपील करते हैं और कि वो हमारी पंचायतों को पर्सनली मॉनिटर करें, उनके जो हमारे पंच सरपंचों के जो ग्रेवेंसीज हैं उनको सॉल्व करें, क्योंकि ये जो हमारी सेल्फ गवर्नमेंट है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। क्योंकि आज जो दूसरी गवर्नमेंटें चुन के आती हैं जम्मू कश्मीर नहीं पूरे हिंदुस्तान में, मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि हमारा जो सरपंच चुन के आता है वो अमेरिका के प्रेसिडेंट के बराबर चुन के आता है, क्योंकि यहाँ डायरेक्ट इलेक्शन होती है। हमारे हिंदुस्तान में सिर्फ सरपंच ही एक ऐसा इलेक्टेड पर्सन है जिसको चुना जाता है कि डायरेक्ट चुना जाता है। लेकिन हमारे साथ जो बदा मजाक किया जा रहा है, मैं गवर्नर साहब से, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से अपील करता हूं कि आप पर्सनल इंटरवीन करें और पंच सरपंचों के जो ग्रीवेंसीज हैं उनको सॉल्व करें। धन्यवाद। मैं ये कहना, नाम बताइए। मेरा नाम है भूषण दास, मैं सरपंच हूं पंचायत सुम से, ब्लॉक है मेरा फ्लाई मंडाल जी। और हमने कल भी कॉन्फ्रेंस करके यही कहा था सरकार से कि हमारी जो लायबिलिटी है, जो हमारे मनरेगा की लायबिलिटी 1000 करोड़ रुपया पड़ा हुआ है 7 साल से गवर्नमेंट के पास, वो जल्द से जल्द रिलीज करें ताकि हमारे लोगों को जो इतने देर से पैसे लगा के बैठे हैं उनको पैसे मिलें। दूसरा हमारा ये इशू है कि हमारे जो पंच सरपंचों के लिए इन्होंने सैलरी फिक्स की हुई है उसमें जो है बढ़ोतरी की जाए, जो इन्होंने कमिटमेंट की थी कि हम 25,000 रुपया सरपंच को देंगे और 10,000 रुपया जो है पंचों को देंगे। तीसरा हमारा ये है कि जो पंचायतों को इन्होंने कहा था एम्पावरमेंट करने के लिए, वो अभी तक नहीं किया। तो 21 डिपार्टमेंट हमारे साथ जुड़े गए हैं, उनमें से 2-4 डिपार्टमेंट को छोड़ दो, बाकी कोई वहाँ आता ही नहीं है। कोई पूछता है बैक टू विलेज प्रोग्राम हुआ, उसमें भी कोई नहीं आया मीटिंग में। तो दूसरा चाहते हैं सर, हम ये चाहते हैं कि सरकार जो हमारे साथ वायदे करती है वो झूठे ना करे, लोगों के काम करे, जो वो कर सकते हैं वही कहें कि हम ये कर सकते हैं, ताकि हम लोगों के पास जाएं और लोगों को कहें कि यही है भाई हमारे पास। जब ये इतने इतने वायदे पेपरों में अखबारों में आ जाता है जी पंचायतों को ये दे रहे हैं वो दे रहे हैं, लेकिन होता कुछ नहीं। लोग हमें पूछते हैं भाई आप क्या कर रहे हो, सरकार तो इतना कुछ दे रही है, तो ये कागजों में सब कुछ है। हम चाहते हैं जो भी हो वो सही मायनों में इम्प्लीमेंट हो, लोगों के पास आए, ये जो 21 डिपार्टमेंट हैं ये गाँवों में आए, ये चीज़।